cross cultural psychology now we are going to talk about access to mental health access to mental health se kya murad hai kya cross culturally kyunki hum isse pehle mental health well being uh, mental illness counseling and psychotherapy जो cultures थे के बीच में परवान चढ़ती है या चल रही होती है उसके बारे में काफ़ी बातें कर चुके हैं so, एक बात जो कि कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से फ़र्क हो सकती है वो ये है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज की कितनी मौजूदगी एक्सेस या रसाई है किसी कल्चर में तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इसमें जो अहम सवाल हैं वो ये हैं कि क्या तमाम कल्चर्स में मेंटल हेल्थ सर्विसेज और हेल्प जो है वो अवेलेबल है इसका कोई एक जवाब मैं नहीं दे सकती क्योंकि शहरों में तमाम पढ़े लिखे ऐसे मुल्कों में जहाँ तालीम वेस्टर्न एजुकेशन आ चुकी है या मेडिकल एजुकेशन मौजूद है मेंटल हेल्थ सर्विसेज की बात होती है लेकिन मॉडर्न एजुकेशन से पहले भी हमेशा से मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती थी और सोसाइटी का अपना कोई सिस्टम होता था कोई सर्विसेज होती थी जिन मानों में हम मॉडर्न मेंटल हेल्थ सर्विसज़ को लेते हैं उन मानों में नहीं थी उन्हें ना कौंसलर कहा जाता था ना उन्हें मेंटल हेल्थ सेंटर कहा जाता था ना उन्हें साइकेट्री हॉस्पिटल कहा जाता था ऐसी कोई नाम नहीं था या साइकोथेरेपी का क्लिनिक कहा जाता था लेकिन वो एक्सेस थी विच मींस के आप किसी दरवेश, किसी दुआ करने वाले किसी सूफी किसी बुज़ुर्ग किसी स्कॉलर किसी इमाम किसी प्रीस्ट किसी शामन जो के एशियन रिलीजन में होते थे जो कि बहुत साम रखते थे रूहों के इंसानों के इंसानों के मामला उनके खाबों के बारे में किसी ना किसी के पास जाने का एक सिस्टम होता था आज की दुनिया की अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज आर नॉट एक्सेसिबल इन द आउट रिजन रिमोट एरियाज एंड स्मॉलर सिटीज ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो इन समर कंट्रीज़ इन द स्मॉलर सिटीज़ पूरी दुनिया में जितने भी डेवलप्ड मुल्क भी हैं उनमें मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो बड़े शहरों में ज़्यादा अवेलेबल होती हैं दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड क्या मेंटल हेल्थ सर्विसेज तक जाना एक नॉम है एक रस्म है मतलब एक तरीका है एक आम रिवाज है और हर कोई इसे इस फॉलो करता है तो ये कोई ऐसा कायदा कल्चर्स वाइज जो है उसमें फ़र्क है वेस्टर्न में एक बात है कि ऑफिस का मैनेजर भी लिखतेगा आपका बॉस भी लिखतेगा टीचर भी लिखतेगा कि प्लीज़ सी द काउंसलर तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है अगर आपको लगे कि आपको किसी को रेफ़र करना है काउंसलिंग के लिए या आपको उसमें कोई कमी नज़र भी आए तो वो उसको इतना फ्रेंडली या एक्सेप्टेबल वे में नहीं लेते वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसमें फ़र्क है कि जी जिस तरह डॉक्टर के जाना है हमने पीछे एक इसमें डिस्कशन ग्रुप किया है तो उसमें अक्सर यंग लोगों ने भी ये पॉइंट आउट किया कि जिस तरह हम डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं या जूरोलोजिस्ट के चले जाते हैं या स्किन स्पेशलिस्ट के चले जाते हैं उस तरह हम ये नहीं कहते कि जी हम काउंसलर या साइकेट्रिस्ट के जा रहे हैं ठीक है और लेकिन एक बात उसमें रह गई जो उस बच्ची ने मुझे बाद में बताई वो ये थी कि उसके फादर अमेरिका में काम करते हैं जॉब करते हैं बहुत देर से वहाँ काम कर रहे हैं उनका बिजनेस है वो ये कहती है कि मेरे फादर की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी और जो रेडीनेस थी बल्कि उन्होंने इनक्रेज किया फैमिली को कि अगर फैमिली में किसी को कोई मेंटल हेल्थ या ट्रामा या सब्सटेंस का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका बिहेवियर अजीब सा हो रहा है तो आप इसको फौरन लेके के जाए साइकेट्रिस्ट के साइकोलॉजिस्ट के तो समन वर्किंग इन अमेरिका इजिली सेट देट ऑल दो इज ऑल्सो अ पाकिस्तानी तो हमारे यहाँ नॉर्म नहीं है बाकी जगहों पर यह नॉम है तो मेरा ख्याल है जवाब इस सवाल का तो उसी में मिल गया जेंडर रिलेटेड डाइनामिक्स हैं इसमें कि लड़कियों को साइकोलॉजिस्ट के जाना ज़्यादा मायूब है और लड़कों का कम है इसका बाहर के कल्चर्स में तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया ऑल दो वीमेन टेन टू हाइड देयर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स मोर अगर वो दवाई खा रही हैं या काउंसलर के जा रही हैं तो वो कम बताएंगी और लेकिन मर्दों में भी ये देखी गई है कि वो अगर मेंटल हेल्थ के किसी प्रोफेशनल के जा रहे हैं तो वो अपने बहुत किसी करीबी आदमी से शेयर कर सकते हैं वो ये शेयर करते हुए घबराते हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ी ऐब हो गया है उनके साथ जैसे मैंने कहा कि शादी रिश्तों के वक्त लोग ये बात पूछते हैं बल्कि किसी रिश्ते के मामले में किसी को पता चला तो उन्होंने उस नौजवान को मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा कि तुम पहले जाके डॉक्टर साहबा को ये इतमान दिलाओ कि तुम ठीक और तुम्हारी शादी जो है अगर हम करेंगे तो तुम फिर कभी पागल नहीं हो जाओगे तो खैर वो जब मैंने उससे बात बात की तो मैंने उसको जाते हुए एक बात कही कि तुमने कभी दवाई खाई थी डिप्रेशन की उसका ये मतलब नहीं है कि तुम जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं गुजार सकते तुम बिल्कुल गुजार सकते हो और इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि यू डू ना नो लॉन्गर नीड एंटी डिप्रेसेंट्स लेकिन मेरे इस ओपिनियन देने के बाद ये रिश्ता फाइनल हो जाएगा क्योंकि वो इसी ओपिनियन का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा तो उसने कहा कि आज मेरी मेरा मुस्तबिल और मेरी इज्जत आपके हाथ में है मैंने कहा बिल्कुल और जब मैं तुम्हारे वलीमे पे आऊंगी तो मेरी प्रोफेशनल रेप्यूट जो है वो तुम्हारे हाथ में होगी सो प्लीज़ रिमेन नॉर्मल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड अलहमद मैं जब उसको मिली तो मैंने उसको कहा आज तुम्हारा वलीमा एंड रिमेंबर आई थॉट यू वर नॉर्मल एंड देट्स वाई यू आर मैरिड टूडे बट प्लीज़ रिमेन नॉर्मल और अलहमदुल्लह पंद्रह साल इस बात को गए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी वो जजमेंट ठीक थी सो जेंडर रिलेटेड डायनामिक्स हैं पर इस केस में अगर लड़की का हो तो उसको तो रिश्ता आउट राइटली रिजेक्ट हो जाएगा ये क्योंकि लड़के का मामला था तो उन्होंने फिर भी ये तकलीफ की कि उन्होंने मेरे पास भेजा वरना कुछ लोग इतनी भी जहमत नहीं करते वो कहते हैं पागल है ना कोई बात नहीं क्या है मार मूर लेगा भाग जाएगा घर से नशा करता है क्या हुआ शादियों के ठीक हो जाएगा सो देर आर जेंडर रिलेटेड डायनामिक्स इन मेंटल हेल्थ एटीट्यूड्स एंड ऑल्सो टेकिंग समन टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इसमें येस एजुकेशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड आई वुड लाइक इन एस्पेक्ट्स पे हम आपको असाइनमेंट देंगे प्लीज़ फाइंड आंसर्स टू दीज आपको इस पर ऐसे वगैरह लिखने और असाइनमेंट करने के लिए दी जाएगी अपने कल्चर के अंदर या रिसर्च करके बाकी कल्चर्स के बारे में और मेंटल इल्नेस की जो परसेप्शन है वो भी मैंने कहा कि क्रॉस कल्चर फ़र्क होती है एक्सेस टू मेंटल हेल्थ में जो एक और कल्चरल फ़र्क आता है जो एजुकेशन और जेंडर के अलावा है वो रिलीजस का भी है क्योंकि समटाइम्स सम इन सम रिलीजन्स दे फील के प्रीस्ट से बाहर या रिलीजस गाइड से बाहर जो है वो मेंटल हेल्थ को इलाज की ज़रूरत नहीं है सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो तालीम के अलावा जो है वो अफोर्डेबिलिटी का है एक्सेस टू मेंटल हेल्थ इज़ ए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अक्रॉस कंट्रीज एंड स्मॉल एंड बिग एरियाज बी गवर्नमेंट के तरफ से प्रोवाइडेड में हर जगह अवेलेबल नहीं है एंड सी इट डिपेंड्स इफ़ यू गो फॉर प्राइवेट मेंटल हेल्थ केयर इट इज़ एक्सपेंसिव सो इट इज़ ऑल टाइट टू योर अफोर्डेबिलिटी कि आप कितना आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जो नहीं कर सकता उसको गवर्नमेंट की में जाना पड़ता है सर्विसज में और बहुत से लोग मेरे हमारे कहने के बावजूद नहीं मेंटल हेल्थ हेल्प ले सकते बिकॉज़ उनके बजट में प्राइवेट हेल्थ केयर है नहीं और गवर्नमेंट हेल्थ केयर में उनको कोई वो वाली सर्विस मिली नहीं या वहाँ रश बहुत था या वहाँ पे गुंजाइश नहीं थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनके लिए तो ये वाली सूरत हाल जो है उसका ताल्लुक जो है वो आपकी फाइनेंशियल पावर और आपकी मुल्क की इकोनमी से